शाम 7 बजे भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय शाम 7 बजे पहुंचेंगे। तो 3 बजे शरद पवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, 5 बजे कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस और 7 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी हेडक्वार्टर पहुंचेंगे। बिल्कुल अमित, क्या अपडेट है और आपके पास? जो सबसे बड़ी बात की ये जो जानकारी मिल रही है, कल एनडीए की बैठक बुलाई जा सकती है। कल जो जानकारी मिल रही है कि एनडीए के जो घटक दल है उनको जानकारी दी गई है, उनको सूचना दी गई है कि कल दिल्ली में एक बड़ी बैठक हो सकती है जिसमें तमाम जो एनडीए के घटक दल है उनके नेता वहां पर मौजूद होंगे। और निश्चित तौर पर जिस तरह का मैंडेट है, इसके बाद नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, इसको लेकर चर्चा है। ऐसे वक्त पर जबकि विपक्ष की तरफ से एनडीए के घटक दलों पर दौरे डाले जा रहे हैं, उनसे बातचीत की जा रही है, इस बीच ये खबर बहुत महत्वपूर्ण है कि एनडीए के तमाम लोगों को बुलाया जा रहा है दिल्ली में कल, जहां पर एक कहा जा रहा है कि बड़ी बैठक होगी। अपने तरफ से जो कहा जा मतलब एक विंडो खोल दिया गया है, चंद्रबाबू नायडू से बात हुई है, इसके अलावा दूसरे तमाम नेताओं से बातचीत हो रही है, माझी से बात की गई है, नीतीश कुमार से कल बात हुई थी, लेकिन आज जो जानकारी आ रही है कि वो मिलने गए और नहीं मिले, बहुत सारी चीजें घटना हो रही है। ऐसे में अमित, एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ, किसी ने ये भी कहा कि अगर इधर से कोशिश की जा सकती है, अमित अगर मेरी आवाज आपको आ रही हो, ये कहा जा रहा है कि अगर इधर से कोशिश की जा रही है कि जेडीयू को आउटरीच किया जाए, उधर चंद्रबाबू नायडू को आउटरीच किया जाए, तो क्या इधर से कोशिशें नहीं हो सकती तृणमूल कांग्रेस को अप्रोच करने की, क्या इधर से अप्रोच नहीं हो सकती डीएमके को अप्रोच करने की, क्या इस तरह की बातें भी तैर रही हैं क्या बातचीत में कहीं आपके सोर्सेस के हवाले? टीएमसी तो नहीं कम से कम, लेकिन पहले सबसे बड़ी बात है कि दूसरे से बात करने से जरूरी है कि पहले आप अपने घटक दलों को जोड़े, तो उसकी कवायद शुरू हो चुकी है। चाहे आप चंद्रबाबू नायडू की बात करें, नीतीश कुमार के यहाँ भी जो और भी लोग हैं जैसे संजय झा है, उनके थ्रू बातचीत हो ही रही है। इसके अलावा जो और माझी हो गए बिहार में, आप चिराग पासवान हो गए, उन तमाम लोगों से बातचीत करके पहले अपने लोगों को घटक दलों को ठीक है। अमित एक बस, हाँ ठीक है, जून 2024 ये तारीख भारत का भविष्य तय करने जा रही है। 4 जून नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे।